भाई खट्टर ना छोड़ के सारे काम बढ़िया कर रही सरकार। अच्छा, खट्टर क्यों नहीं बढ़िया लगता? खट्टर काम को नहीं करवा रहे बढ़िया तरीके से। मोदी की एक नंबर की सरकार भाई साहब, सब कार्य कर रही है और सबको मान ले फायदा कर रही है। खट्टर ने तेन बतावा तो शुद्ध आदमी है ना, शुद्ध है ना कोई ना थोड़े सरकार करवा दी नमस्कार, स्वागत आप सभी का सत्य खबर पर। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। अभी मैं बारी गांव में हूं और असंध हलके का बारी गांव है ये। यहां पर देख लो सारे गांव राम इकट्ठे हो रहा है और पूछेंगे कि हरियाणा सरकार के कामकाज किसे लगे, उन्होंने कौन सी सरकारी नबड़ी अलग है। आज शुरुआती अर्थ कर ताऊ जी राम 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 बढ़िया अलग है। सरकार के 9 साल पूरे हो गए, सरकार कौन सी किसी लगी है? ठीक है भाई, अच्छे है। बीजेपी आज सारी बीजेपी के है, सारे बीजेपी के है। कामकाज बढ़िया करवाए, बढ़िया भाई। आप क्या कहना चाहोगे जी? भाई खट्टर ना छोड़ के सारे काम बढ़िया कर रही सरकार। अच्छा, खट्टर क्यों नहीं बढ़िया लगता? खट्टर काम को नहीं करवा रहे बढ़िया तरीके से। एक भाई मतलब जो बेरोजगार है उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा। गांव में भाई जो गरीब लोग हैं उन्हें काम मिल रहा। जी यही बात है कि किसी लगी सरकार बढ़िया लगी है, जमान बढ़िया, बढ़िया काम काज बढ़िया कर रही है। मोदी की एक नंबर की सरकार भाई साहब, सब कार्य कर रही है और सबको मान ले फायदा कर रही है। आप क्या कहना चाहोगे? मोदी भाई, मोदी मोदी हो रही है, मोदी मोदी हो भाई। आप क्या कहना चाहोगे किसे लगी? मोदी है भाई। हरियाणा सरकार किसे लगी? हरियाणा सरकार भी ठीक लगी है। कट्टर नहीं होना चाहिए मुख्यमंत्री, कट्टर नहीं होना चाहिए। और किन्ने देखना चाहो? अनिल विज। ताऊ अनिल विज कह रहे हैं, आप क्या कहोगे भाई? भाई यो जो संजय पार्टी है ना एमपी, ये वोट ले जा अंधा तो है नहीं। यूरा एक बार यहाँ था, वोट लेगा वोट खाया। खत्म हो गई, कट्टर खत्म है, कट्टर खत्म है। फिर किना अनिल विज ने देखना, अनिल विज ने देखना चाहो। हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे? ठीक है, ठीक है सरकार। ये बता रहे हैं कि खट्टर को बदल के अनिल विज ने लेना चाहो। ठीक है जी, अनिल विज, अनिल विज जी। हाँ जी अंकल जी, आप क्या कहना चाहोगे? बढ़िया बढ़िया सरकार है भाई, बढ़िया सरकार, बढ़िया बढ़िया। दर्द दिया, कट्टर भी जाना चाहिए, कट्टर नहीं आना चाहिए। हाँ जी, हरियाणा राज्य की क्या बात होगी? क्या बात? इसने किसी भी बात का ज्ञान नहीं है। कौन सी बात का नहीं ज्ञान? इन्हें ना बोलना आंदा, ना इसने राजनीति है, ना इसने किसी बात। अनिल विज ने क्यों पसंद करो? अनिल विज सब में बढ़िया, तुरंत फैसला लेता, तुरंत फैसला लेता है। यही बात है मेरे भाई। चलो भाई, कुछ और बुजुर्ग है। आज ही ताऊ जी, आप क्या कहना चाहो किसी के लगी सरकार? बढ़िया सरकार है भाई, बढ़िया सरकार है। अच्छा, अरे नहीं आना चाहिए बनने ये, रुक जा। आप क्या कहना चाहोगे? बढ़िया सरकार है, बढ़िया काम करने लग रही है, बहुत अच्छी सरकार है, मोदी की सरकार बढ़िया है। काम कौन से बढ़िया लगे आपने सरकार? सारे बढ़िया काम करा है, कोई भी घटिया काम नहीं करा सरकार। अरे ये सरकार नु कह रही है कि हमने फसल के बढ़िया मुआवजे दे दिए, बढ़िया रुपए दे। हाँ बढ़िया दे है, बढ़िया भाव दिया, बिका बढ़िया दे रखे बिका दो भाई, बढ़िया दे रखे। गम एक तरफ हो रहा जमा, मोदी की सरकार है बढ़िया, और कट्टर ने छोड़ के और सारी सरकार बढ़िया। बस तब आप क्या भाई? सही सरकार है, बढ़िया है, बस क्लास। खट्टर ने तेन बतावा शुद्ध आदमी है ना, शुद्ध है ना कोई ना थोड़े सरकार करवा दी। कट्टर के खिलाफ हाँ, आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, सरकार बहुत बढ़िया है, अच्छी सरकार है, बढ़िया सरकार है। खट्टर सरकार बहुत बढ़िया है, बढ़िया है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं किसी बात। मतलब जमींदारा का तरह ठीक रही है? जमींदारा के लिए बहुत हक में है सरकारिया। अच्छा। और बढ़िया, मतलब इनको होता हो, मतलब एक। हाँ जी, विकलांग है। आप क्या कहना चाहोगे? किसे लगी सरकार? हम तो बढ़िया लगी सरकार, कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल। हाँ जी, सारे काम कमल का फूल कर रहे हैं। हाँ जी, यही बात है जी, बढ़िया काम कर रहे हैं सर, बढ़िया काम। आप खतर के बढ़िया? मेरा खतर तो पिलसन में दुआ दी जी, रिक्शा दुआई थी जी। अच्छा। ये भी रिक्शा ले लूंगा जी आगे फिर। हाँ जी बाबू जी। अच्छा। हाँ जी, सरकार बिल्कुल बढ़िया भाई, बढ़िया सरकार बिल्कुल। अच्छा, नहीं सीएम साहब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सीएम साहब, बहुत बढ़िया, बढ़िया सीएम साहब, बहुत बढ़िया। बढ़िया, एकदम एक नंबर की सरकार है भाई, एक नंबर की सरकार है। अब की बार खट्टर सरकार, तीसरी बार। अब की बार खट्टर सरकार, तीसरी बार। यही नारा है, यही नारा। अरे गांव के कई लोग तो नुकर बढ़िया को नहीं जी, नहीं ये बकवासबाजी है, एंटी पार्टी है ये।
कमाल करनाल जनी बा जगह जीता थाम गई ना, ना। मैं ठीक है भाई, मैं बताऊं ना, इस सरकार वर्गी सरकार तो कभी जिंदगी भर में नहीं आंदी। जो पहले बच्चा कांग्रेस की सरकार थी, नल्लो की सरकार थी, में किसी थी ना, कुछ नहीं थी। हमने तो उनमें कुछ नहीं देखा। हाँ, इन तो बहुत बारे हैं सारी चीज के है भाई, बहुत बारे ऐसी सरकार वर्गी तो सरकार नहीं आनी और ना कोई जम। एक बार वो चौटाला हमारे गाँव में और इन वर्गे गुजरग थे, इन्हें बोल दिया, बोले भाई मार है वो शमशान वाली गली कच्ची है। अच्छा। और बोले चौटाला बोला इस टाइम तवा मरोगे नहीं फिर पक्की बनवा दूंगा। यह बात कह दी सुन ले जमा सही चिट्ठा ले मेंबर भी बैठ करे हमारे यमुना, उसका मेंबर भी नहीं बना था कोई भी, मेंबर भी नहीं बना, मेंबर भी नहीं बन दिया 2 साल डाक मार देगा उसकी छाम भी नहीं देखी हमने किसी बेहूदा के बोल कौन नहीं ये बता रहे थे बेहूदा के बात थी वहाँ ये गांव गांव को कह दिया था मार गांव ने क्यों पीछे तरह कंधा कंधा चले गया दूर लग। हाँ और तो बेकार बंदा उसकी जो टांग दूसरी भी तोड़ दिया असली पूछ मतलब 5 वोट दी थी मारे गांव में सिर्फ 5 वोट चौटाले की एक भी क्यों नहीं वो पलंता है पाल हमारे बुड्ढे ने मार लग गया हो उसके कौन वोट देगा फिर उरा है तो नाम खत्म उसका देवी लाल का नाम खत्म कर रखा काम नाम हाँ देवी राम का देवी लाल तो हाँ देवी लाल एक बढ़िया बंदा था भी मतलब उस के टाइम पर आप भी हो गए राजनीति की उस टाइम बढ़िया बढ़िया एक नंबर की बढ़िया जी आप क्या कहना चाहो किसी के लगी सरकार नहीं सुनो मेरी बात सुनो आपने देखा हो ग्राम की ग्राम जो ग्राम के हैं सचिव आज हैं इनका आपकी सुनी होगी देखो सेंटर में जो सेंटर में है मोदी राम बहुत बढ़िया सरकार है और जो हमारा नीचे का तबका है जो जैसे खट्टर जी है ये काम करने में थोड़ा निष्पक्ष है काम का नहीं है नार है मैं तो करना धन्यवाद अब गड्डिया का भी नहीं मेरा राजा करा दे ये काम करके राजी नहीं है क्यों जो जातिवाद पर चलता है तो मतलब ऐसा फिर किने देखना चाहो जैसे नील बीच जा जाए तो बहुत बढ़िया नील बीच कर रहे बहुत बढ़िया बढ़िया जमा ही नहीं खट्टर भाई एक बात बताओ अनिल बीच क्या था हमने इतना प्यारा लगा सारे गांव में एक तरफ ऐसा आदमी है बहुत ही बढ़िया आदमी है कैसे बढ़िया के काम बढ़िया लगे सब बातों का ज्ञान है और सारे कानूनों का ज्ञान है वो सभी बढ़िया ज्ञान है खट्टर तो सारे बढ़िया खट्टर नहीं आना चाहिए बस खट्टर नहीं आना चाहिए खट्टर नहीं आना अरे मान ले सुनो तो एक बार मेरी बात है और ऊपर तक यो आदेश आ जा खट्टरे सीएम का दावेदार वोट कौन देंगे दे? वोट नहीं देंगे नहीं देंगे फिर कौन सा दावेदार हो जोड़ में गिरा जोड़ में गिरा चाक किसे पे जोड़ लाई रखो तो नहीं नंबर दावे हवा में और वो जैसे नहीं राहुल गांधी का बाप आया नहीं ढंग उनका भी नाम नमट्ठा कर राजीव मरे था पर किस वजह से मेरे मरे मारे हाथों चाई थी हमने जमा चोरा छोड़ दिया भाई बड़ा नुकसान होया बहुत बढ़िया नेता था मैं हाँ राजीव अच्छा इतना बढ़िया बंदा था वो भी बहुत अटल बिहारी एक नंबर था सारे मसूतरी बात भी तो कह रहे हैं है नहीं अटल बिहारी बढ़िया था अटल बिहारी बात आर्या इंदिरा गांधी आएगी जवाहरलाल आएगी इनका तो नाम ही नाग का खोज दिया जिस तरह से टहल देवीलाल का टहल ने खोज दिया नाश कर दिया सब आएगा और बोल एक अन्य के भी कोई नहीं अम्बा का आंख जाए मेरे सब यहाँ के और हाँ सच्चाई बात है जहाँ ताऊ देगा वोट नहीं वहाँ जो सीमा कोई मोड़ दे भी बोलने को नहीं हटा जमा गारे बनाए दे तो सीएम है ना मैं तो जमा यू बढ़िया बन जाऊ सीएम तब अग चल मैं कभी न्यू लंदा तो मैंने वाह भाई वाह सारी चीज भगवान ने दे रखी हाँ किसी के लायक सरकार सब अच्छी हो सब सारे देश में सब अच्छे सारे अच्छे हाँ। बड़ी ज्ञान की बात कही बढ़िया बता दे काम किसे लागे सर सब एक अच्छे लाग गए सारे के अच्छे लागे हाँ कमाड़े कर कमाड़े को आवा का आप क्या कहना चाहो बढ़िया सरकार है बहुत बढ़िया हाँ बढ़िया सरकार जमा काम काज किसे बढ़िया लागे
जामा बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से तो तारा गांव में एक तरफा है। अरे भाई एक के तरफा चल रहा है मन के गया खट्टर का नहीं वोट गया जोड़ में बैठ या पक्की सी हम नहीं मरन देवांगे ले कट्टर ने सीएम नहीं बनन देंगे आगे के लिए फिर सुनो दूसरी पार्टी की तरफ नहीं जाऊंगा दूसरी पार्टी की तरफ मैं जो अच्छी लग गई उसकी तरफ जाऊंगा पर मोदी की भी वोट नहीं देंगे पक्की बात। चलो जी वो भारी गांव का सर्वे था और आप इस सर्वे को देख करके क्या कुछ कहना चाहोगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कैमरे सहयोगी दीपक के साथ भारी गांव से अंशुल शर्मा जी सत्य खबर सत्य सटीक बेबाक।